देश के प्रधानमंत्री जहां देश को शौच मुक्त करने में लगे हुए हैं, वहीं आज भी खुले में शौच को लेकर लोग आपस में मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के गुरनौर कोतवाली के कादराबाद गांव का है, जहां पर आपस में दो पक्षों में खुले में शौच को लेकर चले लाठी डंडे। दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की नाजुक हालत बनी हुई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल गुरनौर कोतवाली के कादराबाद गाँव में दो दिन पूर्व महिला के खेत में शौच करने को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। झगड़े में घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक का भाई फौजी बताया जा रहा है। कार्रवाई को लेकर मृतक के परिजनों ने कोतवाली के सामने जमकर हंगामा काटा और घंटों सड़कों पर जाम लगाया। बोला पता तेरा क्या फायदा है सेना में सर्विस करने का, देश की सेवा करने का। 27 तारीख को तेरी दही बैरपुर में, लेकिन पुलिस नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 तारीख को मेरे घर पे फिर चढ़ के आ गए मेरे भैया को। मामले को गंभीर होता देख मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया, जहां परिजनों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया और परिवार वालों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। दिनांक 28 तारीख को कादराबाद गांव में दो परिवारों में झगड़ा हुआ। दोनों ने अपनी अपनी कंप्लेंट थाने पर दी, उनको लिया गया, लिखा गया, FIR लॉज की गई। उसमें से एक परिवार में जो लड़का सूरज था, वो उसकी चोट लगी हुई थी, उसको वो अलीगढ़ रेफर हो गया यहाँ से, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वे परिवार वाले यहाँ पर आए थे और उनका सिर्फ ये कहना था कि चौकी जो वेदपुर है उसके द्वारा समय से कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर उनसे उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है, उसके जांच की जाएगी। यदि पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी FIR ले ली गई है और जो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भले ही देश के प्रधानमंत्री देश के हर गांव में शौचालयों को लेकर काफी राशि खर्च कर रहे हों, मगर सोच के कारण हुए झगड़े में एक मौत ने इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तेज निगाहें के लिए संदीप कुमार के साथ जनपद संभल से गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट। न्याय की राहें तो देखते रहिए तेज निगाहें।